दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उसके लिए भगवान ने ऐसा नियोजन किया कि अपने मित्रों को साथ लेकर भगवान ने मणि को खोजने का काम शुरू कर दिया। यत्र भ्रमतान योग गते न मूल पृथिव्याम। कहते हैं अपने ऊपर से झूठे कलंक को मिटाने के लिए भगवान ने यत्र यत्र न जाने पृथ्वी के किस किस कोने पे जाके तलाश की। कौन ले गया? भवरो प्रयात गम्यम च। जैसे भगवान हार के थक के शाम को आते और अपने मित्रों से कहते कि भाई कहीं पता नहीं चला, तो सब मित्रों ने कहा कि ऐसा करो ये जंगल में चलो। तो आज भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों को लेकर के जंगल की तरफ बढ़े और जंगल में भगवान ने क्या देखा। थोड़ी दूर चलकर भगवान ने देखा कि यहां पर मूंढ पड़ा, यहां पैर पड़ा, यहां हाथ पड़ा। अंग यंग प्रत्यंग दर्शितांग। भगवान द्वारकाधीश ने देखा जंगल में कि एक मनुष्य के कई टुकड़े अंग के पड़े हुए हैं। भगवान कहने लगे भाई किसी आदमी को शिकार कर लिया शेर ने, कोई आदमी मार दिया जानवरों ने। भगवान ने अंगों को इकट्ठा करके कोशिश की कहीं आदमी अपने द्वारिका का तो नहीं, पर भाई अंगों से नहीं पता चला। तो भगवान ने फिर खोज की। प्रसेदाम गति पंथाः। जहां जहां खून के छींटे रस्ते पे भगवान को दिखाई दिए, भगवान उस मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए। खून के शेर खाके गया था खून का पंजा, जहां जहां जमीन में दिखा भगवान ने पीछा किया और भगवान पीछे पीछे चले गए तो एक गुफा के पास पहुंच गए, वहां पे शेर मरा हुआ पड़ा। अरे भगवान ने सोचा कि उस व्यक्ति को इस शेर ने खाया है और इस शेर को किसी और ने मार डाला है। अब भगवान ने उस गुफा के पास जाकर के नियोजन किया, चारों तरफ देखा, अब कहीं निशान नहीं मिलते, अब कोई शेर को मारने वाला अब कौन है। भगवान ने अपने मित्रों को कहा तुम सब लोग यहां रुको। भगवान ने अपने मित्रों को कहा कि तुम सब लोग यहां रुको गुफा में, मैं अकेला जाता हूं और मुझे संशय है, मेरा मन मेरी बुद्धि कह रही है इस शेर को मारने वाला इस गुफा के अंदर है। जैसे भगवान कृष्ण उस गुफा के अंदर प्रवेश किए तो भगवान ने क्या देखा कि वहां वृक्ष के भेष में, भालू के भेष में, वहां पर जामवंत जी गुफा में सोए हुए हैं और उनके गले में वो मणि पड़ी हुई है। जामवंत जी के गले में वो मणि पड़ी है। जैसे ही भगवान ने उस मणि को देखा तो भगवान समझ गए कि उस आदमी ने मणि चुराई है, उस आदमी ने जंगल में आकर मणि को, घमंड में आकर वो रात में घूम रहा होगा और शेर से लड़ने की कोशिश की होगी, शेर ने उसे मारकर मणि ले ली और उस शेर ने घमंड में आकर जंगल में सताया होगा, फिर ये वृक्षराज जटायु जामवंत जी ने वो जड़ी ले ली। जामेन कृत्वाम तदमेद मूल। भगवान द्वारकाधीश ने जामवंत जी को कहा भैया तुम्हारे गले में ये जो मणि है इस मणि की वजह से मेरी बदनामी हो रही है, आप ये मणि कहां से लाए, ये मणि आपको मुझे देनी होगी। जामवंत जी ने कहा कि ये मणि अगर तुम्हें चाहिए तो मुझसे युद्ध करो और युद्ध में अगर तुम मुझे पराजित करते हो तो ये मणि तुम्हारी। भगवान द्वारकाधीश ने निश्चय कर लिया धर्म और ईमान और कलंक को बचाने के लिए हमें कितनी भी मृत्युओं से गुजरना पड़े, गुजरना चाहिए, पर हमें धर्म और अपने ईमान और कलंक को मिटाकर ही परमात्मा के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। भगवान ने अपने कलंक को मिटाने के लिए जामवंत जी से युद्ध किया। अब युद्ध कितने दिन चला तो कह रहे हैं कि भगवान जैसे अपहरण हो गया, भगवान आए ही नहीं। तिथि मासो यथाकल्पम। प्रथमा तिथि से पूर्णिमा तिथि आ गई, 15 दिन हो गए भगवान लौटे नहीं। अब घर वाले 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन कितने दिन पुलिस कंप्लेंट ना करे, कोई खोज परख नहीं मिल रही है, कोई कहीं पता नहीं मिल रहा है भगवान का। अब तो सारे लोग परेशान हो गए भगवान को ढूंढ ढूंढ के।
ब्रह्मा जी के पुत्र बैकुंठ से भ्रमण करते हुए द्वारका पहुंचे। नारद जी जाकर नारद जी ने देखा, ये क्या देखा नारद जी ने कि वसुदेव और देवकी दोनों रो रहे हैं, न खा रहे न पी रहे न सो रहे हैं। तो नारद जी ने जाकर ये हाल पूछा, अरे वसुदेव जी तुम्हारे घर में स्वयं साक्षात नारायण प्रकट हुए फिर भी तुम दुखी हो, देवकी क्या बात है, दुख का कारण बताओ। जैसे नारद जी ने वसुदेव और देवकी को कारण पूछा तो वसुदेव जी ने उत्तर बताया, कारण बताया, कई दिन हो गए भगवान द्वारिकाधीश मेरे पुत्र कृष्ण लापता हो गए, खो गए, लौट नहीं आए। अब क्या करें महाराज, लौट के नहीं आए भगवान कृष्ण। तो यहां दो बात सुनिए, एक बात यह है कि व्यास जी ने जन्मजय महाराज को कहा कि पुत्र की प्राप्ति के लिए बस देव की कथा सुनते हैं। नारद जी ने यहां उनको संकल्प दिया कि भगवान श्री कृष्ण लौट आएंगे, उनका कुछ नहीं होगा, आप ऐसा करो कि भगवान को पुनः पाने के लिए, तुम्हारे दुखों से निजात पाने के लिए, तुम्हारे दुखों से मुक्ति पाने के लिए तुम अंबे भवानी का, दुर्गे का यज्ञ करो अपने घर में 9 दिन, और नियम पूर्वक देवी भागवत का महत्तम सुनो। नारद जी ने उपाय बता दिया, और जैसे नारद जी ने उपाय बताया तो उस उपाय को पूरा कौन करेगा, पंडित कहां से लाएं। तो वहां पर वसुदेव देवकी दोनों ने नारद जी से ही कथा सुनने का निश्चय किया। नारद जी कथा सुनाने के लिए बैठ गए। नमो मासम तिथि योगम पुण्य विधि च संकल्पम यथा। अच्छा मास महीना, अच्छा तिथि, सब योगा योग अच्छा हो गया। और भैया जब सब अच्छा हो गया तो भगवान कृष्ण के माता पिता देवी भागवत की कथा सुनने के लिए नारद जी के सामने आसन लगा के बैठ गए। देवी भागवत का महत्तम नारद जी श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं जैसे ही देवी भागवत का महत्तम चलते चलते देवी भागवत के 12 स्कंद 18,000 श्लोकों का संकल्प श्रवण नारद जी ने जैसे कराया, और जैसे कथा शुरू हुई, एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, सात दिन, आठ दिन, नौ दिन, जैसे कथा पूरी हो रही थी वहां युद्ध चल रहा था। मेघवर्णो यथा कल्पम काल रूप समाहित। जामवंत जी ने भगवान द्वारिकाधीश को पराजित यानी हरा दिया, थका दिया। अब भगवान द्वारिकाधीश को ऐसा लगने लगा कि अगर जामवंत ने मुझे थका दिया, हरा दिया, मार दिया या घायल कर दिया तो ये मणि नहीं मिलेगी, और मणि नहीं मिली तो भैया मेरा कलंक कैसे छूटेगा। तो भगवान द्वारिकाधीश ने अपना स्वरूप धारण कर लिया नारायण का, चतुर्भुज बन गए, और उन्होंने अपने चतुर हस्तों से जोर से मुष्टक प्रहार किया और जामवंत जी को धरती पर पटक लिया, मूर्छित कर दिया। जैसे ही जामवंत जी मूर्छित हुए, जामवंत जी को अंतर्दृष्टि से भगवान द्वारिकाधीश में राम की छवि नजर आने लगी। वही राम दिखने लगे जिनकी वो सेवा करते थे। जैसे मूर्छित हुए, आदमी जब मूर्छा में आ जाता है तो वो वर्तमान से गायब हो जाता है, उसके अगल बगल में क्या चल रहा है उसे कोई लेना देने दुनियादारी से, और वो अपनी दुनिया में चले गए, राम दुनिया में चले गए। जामवंत जी ने जिस प्रभु राम की सेवा की, सीता को पाने के लिए, समुद्र के लिए जिन्होंने मदद की, बानर सेना के अध्यक्ष बनकर जिन्होंने प्रकल्प किए, आज वही राम की छवि जामवंत को दिखी। प्रसन्न चित्त होकर नेत्र खोलकर जामवंत जी ने भगवान श्री द्वारिकाधीश के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। हे प्रभु भूल हो गई मुझसे परमात्मा, मेरे ऊपर कृपा करो देव, क्षमा करो मेरी गलती के लिए। हे परमात्मा प्रभु, हे कृष्ण, हे देव, मेरा कल्याण कर दो। लाखों लाखों वर्षों से मैं आपकी आराधना अर्चना इस गुफा में कर रहा हूं। हे परमात्मा, मेरे जन्म का, मेरी मृत्यु का आपके साथ संबंध है, अब मुझे गति दे दो। पर हे प्रभु, मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाना चाहता हूं। क्या कहानी,
भगवान श्री कृष्ण आसन पर विराजमान हो गए और जामवंत जी अपनी बीती हुई कहानी सुनाने लगे। प्रमेय मूलम यस्य योग भगिनीनाम महायोगे सवर्षौच पुण्यम। हे देव, त्रेता युग में राम का अवतार लेकर जब आप आए थे और सीता की खोज करने के लिए जब आप किष्कंधा की राजधानी से गुजरते हुए हम बानर सेनाओं के साथ में आप जुड़े थे, तभी मेरी पुत्री को आपने देखा था जिसका नाम जामवंती था। उस जामवंती ने आपको अपने हृदय से पति मान लिया था। उस समय भी मेरी पुत्री आपसे विवाह करना चाहती थी, पर उस अवतार में आपने मेरी पुत्री को स्वीकार नहीं किया। इसलिए हे प्रभु, इतने लाखों लाखों वर्षों तक मैं जीवित हूं केवल कन्यादान करने के लिए। हे परमात्मा, जब आपने वचन दिया था देवी राम अवतार में मैं केवल एक पत्नी व्रत करने आया हूं, और द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा तो मैं सब स्त्रियों की इच्छा की पूर्ति करूंगा। इसलिए हे जामवंती, तुम्हें पति के रूप में अगर मेरा स्वरूप मेरी कृतियां पसंद है तो तुम मुझे अपने हृदय से अपनी आत्मा से पति का दर्जा दो, पर शरीर से मैं पति के रूप में पत्नी के रूप में तुम्हारा सौभाग्य स्वीकार करूंगा द्वापुर में कृष्ण अवतार में। हे परमात्मा कृष्ण, मेरी पुत्री जामवंती भी मेरे साथ में उसी अमृत को लेकर आपका इंतजार और आपके तप में बैठी हुई है। मेरे प्राणों का अंत ही तब होगा, मेरा कल्याण तब होगा जब मैं बेटी का कन्यादान कर दूं। अगर हे प्रभु आप कृष्ण अवतार लेके आए हैं तो पहले आप अपना वचन पूरा करें और मेरा उद्धार। इस कथा से आपको दो चीजें सीखने को मिल रही हैं। एक तो ये मिल रही है कि आदमी का उद्धार जीवन का कब होता है, जब वो बेटी का कन्यादान करे। दोगदानम महादानम मूल वृत्ति यथा सर्वम। कन्यादान कर ले, कल्याण हो जाएगा उसका, ऐसा जामवंत जी की सोच है। और भैया शास्त्र जगह जगह कहते हैं गौदान कन्यादान ही श्रेष्ठ दान, मूल दान और कल्याण दान है, और दोनों साथ ही किए जाते हैं। वसुदेव जी देवकी के साथ बैठकर श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करते, नारद जी विश्वास के साथ कथा सुना रहे हैं, और नारद जी से कम विश्वास मुझे भी नहीं कथा सुनाने में। आप, मैं भी पूरे विश्वास से कथा सुना रहा हूं, ये कथा सुनाकर आपको यह संकल्प पूरा हो जाएगा। अगर आपका बेटा बेटी खो गया है तो आप ये दूसरे दिन की कथा को अपने वसुदेव और देवकी की तरह तड़प के सुनो, तड़प के बिलाप करके रो के करुणा से दुखी होकर। यह दवा काम करेगी और रोग निकल जाएगा, संकल्पना पूरी हो जाएगी आपकी। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को, भगवान व्यास ने जन्मजय महाराज को यह वृतांत कह सुनाया, नारद जी ने यह कथा सुनाई। नारद जी कथा सुनाकर जैसे विश्राम की ओर हैं, नारद जी ने वसुदेव और देवकी से कहा कि यज्ञ की पूर्णाहुति करो। नववेदाम दुर्गे यथाम कुमारी वर्ण श्रृंखला। नारद जी ने वसुदेव और देवकी को कहा कि देवी भागवत का पुण्य तुम्हें तब मिलेगा जब तुम कुमारी कन्याओं को लाकर अपने घर पे भोजन सोना और वस्त्रों से सम्मानित करोगे। आहा, दुर्गा की मूर्ति लेके आ गए दुकान पे, घर पे बिठा दी, आरती चल रही है और बीबी का पेट में लड़की मरवाने पे लगा पड़ा है। डॉक्टर के पास में गया, बेटी को गिरवा के आ गया, मरवा के आ गया। हस्ती खेलती दुर्गा पेट में है, उसे हम मरवा रहे हैं और मिट्टी की दुर्गा को लाके घर पे पूजा कर रहे हैं। कैसे उद्धार होगा इस देश का, इस परंपरा का? है जी, दो दो चार चार लड़कियां मरवा रखी हैं कई लोगों ने,
पुत्र की भूख में। मैं नहीं कहता कि पुत्र ना हो, आपको बार बार पुत्र हो, हजार बार पुत्र हो, पहला ही पुत्र हो, पर जैसे ही पुत्री गर्भ में आती है समझ लो नवदुर्गा आ गई, लक्ष्मी ने जन्म ले लिया तुम्हारे घर में। हाँ, शोभा है स्त्री संसार की, शोभा महिला शोभा है संसार की, जीवन की प्रपंचना ब्रेवदा की माया की कृत्य की ममता की दया की करुणा की मूर्ति है महिला। यस्य धराम प्रपन्न योगम, हाँ ये धरती पर हम टिके ये भी तो महिला ही है, धरती माता की ये भी तो महिला है, जिस पर बैठकर आप खेलते कूदते चलते फिरते, जो गाड़ियां दौड़ रही हैं, जिस पे आप आनंद ले रहे हैं, ये सब धरती, और सहन कौन करेगा, कौन पचाएगा, केवल महिला ही पचा सकती है सबको। अधर सामर्थ है महिला में, प्रलोभ सामर्थ है, दिव्य सामर्थ है महिला में। इसीलिए कल मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला था आपके माता पिता के ऊपर, और आज मैं छोटा सा प्रकाश डालता हूं महिला मंडल के ऊपर, कन्याओं के ऊपर। नारद जी ने वसुदेव को कहा कि 9 कन्या ला करके कुमारी कन्या लाओ, कुमारी, कुमारी कन्या का मतलब होता है प्रसवम न देवयता। जब तक किसी कन्या को स्त्री धर्म, जब तो उसको मासिक धर्म नहीं आता तब तक वो कुमारी मानी जाती है। जिन कन्याओं को मासिक धर्म नहीं आता उन कन्याओं को पूजा करके भोजन करवा के सोना वस्त्र दान दक्षिणा उनको अर्पण करके और उन्हें चरणों में माथा टेक कर प्रणाम करके ये कथा पूरी हो जाएगी तो फर भी पूरा हो जाएगा, फिर झोली भर भर के। अब कन्या लाए कहां से पैर पड़ने को है? अब लोग हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे हैं, कंप्यूटर का ज्ञान इतना हो गया कि अब आप नेट पे सर्च कर लो कैसे बच्चा गिराना, अब डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ रहा लोगों को, हैवी से हैवी ट्रीटमेंट आपको नेट पे मिलता है, आप सर्च करिए और बच्चा गिराइए। घर बैठे अपराध की खोज हो रही है हमारा, अल्ट्रासाउंड करवा लिया कन्या देखी मरवाया, कन्या देखी मरवाया। शास्त्र क्या कहता है, उपनिषद क्या कहती है, मनुस्मृति क्या कहती है, ये पुराण क्या कहती है, देवी भागवत पंचम वेद इतिहास पंच पुराण, वेद सम उच्यते। कल मैंने 5 वेद कहे थे आपको, 4 वेद होते हैं और पंचम इतिहास वेद पुराण उच्यते, 5वां वेद पुराण है जो वेदों के इतिहास के रूप में है। देवी भागवत दुर्गा, मुझे आप इतना बताओ, यमुना कौन है लड़की, गंगा कौन है लड़की, कावेरी कौन है, कृष्णा कौन है, गोदावरी कौन है, और भी मेरे पास बहुत नाम है, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सरयू क्षिप्रा नर्मदा महनया तदपुरो न तटयोगम। अगर ये सारी नदियां तुम्हारा जीवन चलाती हैं तो ये सब महिला ही तो हैं। खेत को रंग बिरंगा कर दे वो नदी, हरियाली में झुंझुना दे खेत को वो नदी है, और ये सब महिलाएं तो हैं। अब इनके जन्म देने वाला, इनके माता पिता इनकी हत्या कर देते तो फिर ये सब दुनिया कहां से आती भैया, फिर आप जाते कहां पाप धोने के लिए हरिद्वार काशी, काशी में पाप कैसे धुलते हैं, क्या है वहां पर, हरिद्वार में पाप क्यों धुलता है, वहां क्या है, हरिद्वार में पाप धोने के लिए कुछ नहीं है। आप हरिद्वार में किधर भी घूमते रहो कहीं पाप नहीं धुलते, जब आप हर की पौड़ी पे जाते घाट पे जब डुबक लगाते तब जाके पाप धुलते आपके,
ऐसी मान्यता है शास्त्र समाज की। मैं कहता हूं धुलते कि नहीं धुलते पता नहीं, पर अगर धुलते हैं तो गंगा ही तो धो रही है, हरिद्वार थोड़ी धो रहा है। काशी नहीं धो रहा, हरिद्वार काशी दोनों ही नहीं पाप धो रहे, गंगा धो रही है, दोनों जगह पर काम कर रही है। हा? ऊंचा है स्थान सुना और देखा है, स्त्री जाति का ऊंचा है स्थान सुना और देखा है। स्त्रियों की महिमा ये, ये स्त्रियों की महिमा है। आप भी गाओ। श्याम राधे कोई न कहता, ओ श्याम राधे कोई न कहता, और सब कहते राधे श्याम। राम सीता कोई न कहता, और सब कहते सीता राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। ओ श्याम राधे, श्याम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम श्याम, राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम। बोलो सीता कोई न कहता, कहते सीता राम। राम सीता कोई न कहता, कहते सीता राम। श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राम। राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीता राम, राधे श्याम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम श्याम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राधे राम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम।
पिताजी का दूसरा नंबर है भैया, पहला तो माँ का नंबर है। क्यों? मैंने पहले ही कहा आपको, एक लाइन में सुना और देखा है, पढ़ा और सुना देखा, जो भी कहो ये हम अच्छी तरह जानते हैं। भगवान को भी पहले माँ के रूप में ही देखा गया है, और जिनका परमात्मा के साथ में मैत्री है, ममता का संबंध है, जो भगवान को ममता से प्रेम से माँ के रूप में देखते हैं, उनको कोई एक चीज की कमी नहीं है। सारे दुख और संकटों से उन्हें निजात मुक्ति मिल जाती है जो परमात्मा को माँ के रूप में हम सा देखते हैं। क्यों? माया वो पल्लू है, माया वो छाया है, और माँ वो दया है, माँ वो कृपा है, माँ वो अस्त्र है, माँ वो शस्त्र है, जिसे पाने के बाद निर्द्वंद हो जाता है जीव, सारे क्लेश उसके मिट जाते हैं। इसलिए याद रखें, हम अपने सद्गुरु भगवान को भी माँ के रूप में ही देखते हैं, वेद भगवान को भी माँ के रूप में देखते हैं, रामायण आदि ग्रंथों को भी माँ के रूप में देखते हैं। जो भी हमें संस्कार दे, जीवन दे, वो माँ है। इसलिए प्रमर निर्माण होना चाहिए माँ से। आज जामवंत जी ने अपना कल्याण करने के लिए भगवान द्वारिकाधीश को अपनी बेटी का इतिहास कहा, तो भगवान द्वारिकाधीश ने यह लीला जामवंत के संकल्प पूरा करने के लिए ही किए। भगवान श्री कृष्ण ने थोड़े समय कलंक को धारण किया, क्योंकि वर्तमान में थोड़ा कलंक लगने से अगर हमारे भूतकाल के सब ऋण चुक जाएं, वचन वायदे पूरे हो जाएं, तो थोड़े समय कलंक भी लग जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि झूठे कलंक ज्यादा दिन नहीं टिकते, वो धुल जाते हैं। आपको कोई अपराधी सिद्ध कर दे, जेल हो जाए, बाद में कोर्ट कचहरी चले और बाद में आप छूट जाएं और अपराध आपका सिद्ध ना होवे, समाज में आपकी और महानता बढ़ जाती है।
क्योंकि समाज में ऐसे काम होते रहते हैं, बिना किए के भी फंस जाते हैं। आपने कुछ नहीं किया है फिर भी लोगों ने आपको फंसा दिया। तकलीफ देना है आपके भाग्य में लिखी है इसलिए भोगना है, पर नहीं किए की तकलीफ हो सकती है, परिणाम नहीं। और तकलीफ हमारे जीवन का अंग है, आती जाती रहती है। आज भगवान स्वारिकाधीश ने जामवंत जी को कहा, आप अपनी पुत्री को बुलाइए, मैं आपकी खुशी के लिए बताना चाहता हूं। मैं ये जो कथा सुना रहा हूं, इस कथा के बारे में ऐसा कहा गया है कि इस कथा को व्यास जी सुना रहे हैं और लिखा भी व्यास जी नहीं है, तो ये वर्तमान की कथा है, भगवान द्वारिकाधीश के समक्ष की कथा है। ये लगभग 5000 वर्ष पूरे हो गए इस कथा को बने। अब जामवंत जी की रामलीला, सीता जो बनना चाहती थी जामवंती, उस लीला को 9 लाख वर्ष हो गए। 9 लाख कहते हैं भगवान को पति मानने के बाद दिल में जामवंती ने 9 लाख वर्षों तक राम का इंतजार किया। दूसरे जन्म में कभी भी तो अवतार होगा, उस अवतार में वो मुझे पति के रूप में मिलेंगे, उसके लिए वो निसंदेह उसी शरीर में जीवित बनी रही और तप करती रही। आज वो अवसर आया कि उस गुफा में जामवंत ने अपनी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश से किया। श्रीमद भागवत की कथा में 16108 भगवान की पत्नियों का जो वर्णन आता है, उस समय भगवान 100 साल के हो जाते हैं। कितने साल का भगवान हो गए? 100 साल के हो गए। और भगवान जब 100 वर्ष के हुए तब उनका विवाह हुआ जामवंती से। और जामवंती को भगवान जैसे ही विवाह करके पटरानी बनाकर लाए और यहां कन्याओं को भोजन, वसुदेव और देवकी भोजन करा रहे हैं, और भोजन करा के उनके कानों में सोना पहना रहे हैं, उनकी नाक में सोना डाल रहे हैं, और उनके हाथों में वस्त्र दान कर रहे हैं, और उनके पैर पड़ रहे हैं। कहते हैं भागवत में व्यास जी ने कहा कि जैसे ही सारी कन्याओं को, कुमारी कन्याओं को देवकी और वसुदेव ने भोजन करा के प्रणाम करके दक्षिणा दी, उसी समय भगवान कृष्ण भी एक नव युवती कन्या को विवाह करके अपने घर महल में पहुंच गए। महाराज संभूतम तदगतम न प्रियाभावे यज्जो योग पुराण स। देवी भागवत की कथा सुनकर देवी का यज्ञ करके वसुदेव और देवकी ने आज अपने पुत्र को घर बैठे ही पाया, और साथ में जामवंती बहू को भी प्राप्त कर लिया। जन्म जन्मों से जो कृष्ण के लिए तप कर रही थी, आज उसे भी तप के बदले भगवान प्राप्त हो गए पति के रूप में। और सुनिए, ये जो कथा सुन रहे हैं आप, इस कथा का ये भी महत्व है कि जो लोग एक एक शादी के लिए परेशान हैं, अगर देवी की यज्ञ कर लें और देवी की कथा नियम से सुन लें, तो एक शादी की तो बात छोड़ो, उनके पीछे शादियों की लाइन लग जाएगी, इतना महत्व भी है इसका। प्रसिद्धम योग प्रसेन योगम प्रबन्नम योग मणि नाम। भगवान उस मणि को हाथ में लेकर आए और उस मणि को लाकर भगवान ने सभा में रख दिया और सत्राजीत महाराज को बुलाया, देखो महाराज तुमने हमें बदनाम किया और मणि का चोर हमें सिद्ध किया, ये मणि देखो कौन ले गया है, हम इस मणि को जामवंत से लाए हैं। जामवंत जी को साथ लेके आए और जामवंत जी ने सब कथा सुनाई, और जब सारी कथा सुनाई सत्राजीत महाराज को, तब पता चला कि बरसों से मेरा छोटा भाई लापता था, वही इस मणि को लेके गया था। सत्राजीत महाराज ने द्वारिकाधीश से प्रणाम करके क्षमा मांग लिया और उसी द्वारिका की, सत्राजीत की बेटी सत्यभामा, उसका विवाह भी भगवान कृष्ण के साथ में कर दिया गया। लीजिए, देवी भागवत का फलक लाइन लगी है बहुओं की, हैं? सत्राजीत ने सत्यभामा का कन्यादान कन्हैया जी को कर दिया, जामवंत जी ने जामवंती का कन्यादान कन्हैया जी को कर दिया। हाँ जी,
ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि नौ कन्याओं को भोजन करवाया है, हो सकता है नौ बीवी आ जाए। अष्टम भ्रान कृतो यथा, आठ पटरानियां हैं, नौ कन्याओं को भोजन इसलिए कराया जाता है कि हमेशा एक ज्यादा होता है। अष्टमी नवरात्रियों में अष्टमी को यज्ञ होते हैं, पूजा और पूर्णाहुति होती है, नौवे दिन खाली प्रसाद ब्राह्मण को भोजन प्रसादी दान दक्षिणा, तो नौ कन्याएं, एक सौ रुपए दान नहीं करते 101 करते हैं, 1000 रुपए दान नहीं करते 1001 करते हैं, 1 लाख दान नहीं करते 1 लाख 1 करते हैं, चाहे जितना हो एक बढ़ा के करते हैं। नौ कन्याओं को भोजन नहीं है, अष्ट कन्याओं को भोजन कराना है, पर एक कन्या बढ़ा के भोजन कराया क्योंकि अगले साल भी ये मौका मिलना। एक कन्या को बढ़ाकर अगले साल में एडमिशन हो गया हमारे पुण्य का, अगले वर्ष भी बिना रोक टोक बिना व्यवधान के तुम्हें नौ कन्या जिवाने का अवसर मिलेगा, इसीलिए आपने इसी वर्ष खाता खोल लिया, ऐसा समझो। अब कन्या लाएं कहां से? अब हम और आप सब नौ कन्या जिमाएंगे नवरात्रि की पूर्णाहुति में, अब ये नौ नौ कन्या आए कहां से? बड़ा कठिन हो जाएगा नौ नौ कन्या लाना है। एक ही बिल्डिंग में 25 फ्लैट है और 25 फ्लैट में नौ नौ कन्या आएंगी तो कितनी कन्या आ जाएंगी फ्लैट में? फिर ढूंढे कहां से, लाएं कहां से, कौन सी मंडी से जाएं, कौन से खेत में से लाएं, कहां मिलती है कन्या? आप किसी कन्याओं के स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में तो कन्या होती नहीं, लड़कियां होती हैं, समझो है? कन्या कहां मिलेंगी? जहां पे पांचवी छठवीं का स्कूल होगा वहां मिलेंगे, जिनको धर्म नहीं आता है मासिक वो कन्या वहीं मिलेंगी, पर वहां से कितने लोग लाएंगे? पूरे पुणा में जितने स्कूल है सारे स्कूलों की कन्याओं को लाओ तो फिर खाली धायरी में काम हो सकता, बाकी पुणा वालों को नहीं मिलेगा फिर नौ कन्याओं का बोल। बहुत कम है कन्याएं। आज भगवान व्यास जी ने जन्मजय महाराज को कहा, देव, सबसे पहले वसुदेव और देवकी ने नारद जी के मुखारविंद से कथा सुनकर अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए देवी भागवत और अम्बे यज्ञ का कार्य किया। जैसे श्रीमद् देवी भागवत का ये महत्व सुना, द्वारिकाधीश की कथा सुनी और द्वारिकाधीश की पूजा हस्तिनापुर में बड़े प्यार से होती है महाराज। जन्मजय महाराज के पूर्वज, जन्मजय महाराज के पितृगण सभी द्वारिकाधीश की पूजा करते थे और वरदान वचन देके गए थे, वंश कृत्वम इष्ट मूला, हमारे वंश में कृष्ण ही इष्ट है, इसलिए हे जन्मजय, देवी भागवत पुराण की कथा को सुनकर देवकी वसुदेव को कृष्ण की प्राप्ति हुई और उसी पुण्य से भगवान कृष्ण का कलंक दूर हुआ और जामवंती और सत्यभामा जैसी धर्मणी पत्नियों का आगमन हुआ। कहने का मतलब आप समझ लो, भगवान की पत्नियां कौन? कृष्ण की पत्नी, भगवान की पत्नी लक्ष्मी। ये सत्यभामा कौन है? लक्ष्मी है। ये जामवंती कौन है? लक्ष्मी। अभी 9 लाख वर्ष तक कोई तपस्या करेगा तो कोई कुलक्षणी कर लेगी तपस्या? ये तो सोमवार मंगलवार को भले ही खिचड़ी बिचड़ी खा के एक आध दिन का व्रत करना अलग बात है, पर 9 लाख वर्षों तक निरंतर काम की आस में रहे कोई निर्विवाह। और बात यह है, एक बार परमात्मा को दिल में पति के रूप में अगर धारण कर लिया तो चाहे जितने भी जन्म हो जाए हमारे लड़की के रूप में, फिर हमारे दिल में कोई पुरुष नहीं आना चाहिए। आए? जब मिलेंगे तब मिलेंगे भगवान पति के रूप में आएंगे। अरे भाई, तुम्हारा तप है, तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारा दिल है, तुम्हारी भावना है, तो भगवान ने किसकी भावना को ठुकराया? सबकी भावना को कबूल किया, परमात्मा ने ग्रहण किया, स्वीकार किया है। पर भैया, मैंने कल कहा था, संतोष के बगैर परमात्मा की भक्ति का भी फल मिलता। हमारे इच्छा से पेड़ों के फल नहीं पकते जी। अभी आप पेड़ चले जाओ आम के पास में और वहां कल्पना करो आम के फल की, नहीं मिलेगा। संतोष करेंगे आम आ जाएगा, फल आ जाएगा, आपकी इच्छा से ये सब नहीं होगा। क्यों? मैंने थोड़ी देर पहले कहा,
परिणाम फल ये सब परमात्मा के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। हर चीज का फल परमात्मा की गोद में रखा हुआ है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्य बाधकारस्ते मां फले सुखदाश्चन, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। क्यों? फल तेरा सुरक्षित है, तेरे फल को कोई चुरा नहीं सकता, तेरे फल को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यस्य भोग्यम तदो जन्म श्रुति नाम, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, जब तक तू है फल जिंदा है तेरा और सुरक्षित है, और ऐसा फल है जो न सड़ता है न गलता है। जो फल की चिंता करते हैं वो फल पाते नहीं, फल की चिंता में ही मर जाते हैं। कर्म करो, इसलिए मैंने आज प्रवचन में पहले ही सिद्धांत रख दिया था आपको, क्रिया लब्धम नयत्त सर्वम। आपकी क्रिया अच्छी है तो आपके सब फल आपके नजदीक रहते हैं, आपकी क्रिया अच्छी नहीं है, कर्म अच्छा नहीं है तो फल कितने भी मांगो नहीं मिलेंगे। कई लोग दुष्ट कर्म कर रहे हैं, कई लोग पाप कर्म कर रहे हैं, फिर भी फल रहे हैं, फूल रहे हैं। आप समझ लेना, पाप कर्म करने के बाद जो फल रहे फूल रहे हैं, उनकी नैया जब डूबेगी तब कभी भी किसी भी स्थिति में कोई पुण्य, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई देवता, कोई भगवान भी उस नैया को किनारे लगाने वाला नहीं। जो दुष्ट कर्म करते हैं और फल रहे फूल रहे, और क्या फल रहे फूल रहे हैं, वो क्या फल रहे फूल रहे, उनका जमीर मर चुका है, उनकी आत्मा मर चुकी है, उनका चरित्र मर चुका है, उनके पास केवल पैसा है बस, और कुछ नहीं। औलाद मानती नहीं, औलाद सुनती नहीं, औलाद देखती नहीं। सर्वम यथान पुण्य गति सुभावम, जिन माता पिता के पास धर्म है, पूजा है, पाठ है, दान है, सेवा है, यज्ञ है, उनकी औलाद फलती फूलती है। फलना और फूलना, धन वृद्धि होने से कोई फलता फूलता नहीं है, है? हमारे पास तो काफी सब कुछ है, पर हमने अपने जीवन में, आपने भी देखा है, बहुत सारे महात्मा साधु ऐसे हैं जो झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी में फिर भी बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती है महंगी महंगी उनके दर्शन करने के लिए, कुछ नहीं उनके पास ऐश्वर्य, उनके पास क्या है, उनके पास फलने फूलने के लिए सत्य है, उनके पास तप है, ध्यान है, भजन है, पुरुषार्थ है, सेवा है, प्रेम है, दया है, कृत्व है, अलंकृता है उनके पास। झोपड़ी में रहते हैं तो क्या हुआ, उन्हें किसी के सामने नहीं झुकना है, लोग उनके सामने झुकते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें मानते हैं। जिनके पास धन है, वैभव है, कोई नहीं मानता, कोई नहीं जानता, किसी को पड़ी नहीं है कि वहां जाए प्रणाम करे। हाँ? साधु से स्वार्थ नहीं, साधु से मतलब नहीं, तो भी प्रणाम करते लोग साधु को, पर धनवान को प्रणाम वही करेगा जिससे मतलब होगा। क्यों? जो यही रहने वाला है उसे कोई फलते फूलते के लिए जमा करके क्या मतलब आएगा उसके? है जी, आपने चाहे जितना भी जमा किया है पर वो यही रहने वाला है, न वो आपका पहले था, न आज भी आपका है, न कल भी आपका रहने। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरी बात को ट्रायल कर लो जाके बैंक में, जिस नंबर का नोट आपने जमा किया है उसी नंबर का नोट आप पूरी जिंदगी में वापस लेके बता दो। जिस नंबर का नोट आपने बैंक में जमा किया, अब उस नोट को आप पुनः दोबारा लेके बताओ, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो तुम्हारे काम का, भाई तुम्हारा ही है, पैसा तुम्हें मिलेगा, घूम के मिलेगा, मिलेगा ब्याज भी मिलेगी, पर भैया जो तुमने दिया वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तुम्हारा था ही नहीं। जो हमारा है उसकी वृद्धि करो। हमारा क्या है? तो हमारा तो भैया पुण्य है, कर्म है, अच्छा बुरा, बस उसकी वृद्धि हो रही है। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, वो तुम्हारा है, तुम्हें भोगना है। इसलिए मैं कहता हूं बुरा न करके केवल अच्छा करते चलो, वो हमारे साथ ही जाएगा।
यस्य धर्मं विजयते पुण्यम्। पगले हरि भजले, पगले हरि भजले, और ये जीवन बीता जाए, पल पल बीती जाए, उमरिया काल खड़ा तेरे बाहे। पगले हरि भजले, पगले हरि भजले, पगले हरि भजले, ये जीवन बीता जाए, ये जीवन बीता जाए, ओ पल पल तेरी बीती उमरिया काल खड़ा तेरे बाहे। पगले हरि भजले, पगले हरि भजले, बीता जाए तेरा जीवन बीता जाए, ओ पल पल बीती जाए उमरिया काल खड़ा तेरे बाए बाए। पगले हरि भजले, पगले हरि भजले, भजले पगले हरि भजले, जीवन बीता जाए, ये जीवन बीता जाए, पल पल तेरी जाए उमरिया काल खड़ा तेरे बाए। अगले हरि भजले, भजले अगले हरि भजले, तेरा चोला है, मानस का तेरा चोला है, ये पाया रतन अमोला है, पाया रतन अमोला है, ओ जाग जाग नहीं सोना है, जाग जाग नहीं सोना है, और व्यथा इसे नहीं खोना है, व्यथा इसे नहीं खोना है, ओ जाग जाग नहीं सोना है, ओ जाग जाग नहीं सोना है, और व्यथा इसे नहीं बीता जाए, ये जीवन बीता जाए, हाँ पल पल तेरी जाए उमरिया काल खड़ा तेरे बाहे।
अगले हरि भजले, अगले हरि भजले, अगले हरि भजले, अगले हरि भजले, अगले अगले हरि भजले, अगले पल पल बीती जाए उमरिया काल खड़ा तेरे बाहे ये पगले हरि भजले ये जीवन बीता जाए वैसे हम लोग गिनती करें तो हमारी आंखों के सामने कितने किन्नरे राजा रंग चले गए महाराज क्या बिचारे लाए थे और क्या लेके चले गए हैं बड़े बड़े बिल्डर बड़े बड़े साहूकारों की बिल्डिंगें यहीं खड़ी रह गई हमारे हैं आर्य गोरु नथू खेरू ये सब लोग हाकिम बने बैठे दूसरों की संपत्ति पे इसीलिए देवी भागवत के महत्तम के द्वारा आपको थोड़ा समझ आनी चाहिए जो हमारे साथ में जाए वो धन ही है और जो हमारे साथ में ना जाए वो संसार है तो ये भैया मकान दुकान गाड़ी घोड़ा पैसा ये संसार है हजार का नोट बंद हो गया कहाँ है संसार है जी बोलिए ना सूटकेस भर के सबको एक एक दिया जावे हजार हजार के नोटों से कौन कौन ले जाएगा महाराज सूटकेस तो सब आप ले जाना आश्रम में पर हमें तो दो दो हजार की एक एक गड्डी दे दो वही बहुत है यानी कम देंगे तो चलेगा पर भैया चलने वाला रुपया हो जो चले दुनिया में इसीलिए मेरा और आपका केवल इतना समझना है मैं समझ गया हूँ थोड़ा बहुत आप थोड़े बहुत भी नहीं समझ रहे हाँ ये सिक्के सोने चांदी के क्या करेंगे बोलिए ये सिक्के सोने चांदी के और इस लोक में चलते चले पर लोक में जाकर ऐसा धन कमा लाएं बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए नर 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 सिक्के सोने चांदी के इस लोक में चलते सिक्के सोने चांदी के इस लोक में चलते देखिए जो भी है इससे आप क्या कर सकते हैं ईंट पत्थर मार्बल ग्रेनाइट गाड़ी घोड़ा लोहा यही खरीद सकते हैं ना हाँ
पैसों से सुख खरीद के बताओ, शांति खरीद के बताओ, निरोगीता खरीद के बताइए। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैना, हाँ धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैना, धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैना, हाँ धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैना। किसी किसी को कांटों पे चलकर, किसी किसी को कांटों पे चलकर आए हृदय अरे कोई कारण होगा, जय हो, अरे कोई अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सिक्के सोने चांदी के इस लोक में चलते, सिक्के सोने चांदी के इस लोक में चलते, चले पर लोक में जाकर ऐसा धन कमा लाए, चले पर लोक में जाकर ऐसा धन कमा लाए, बहे सत्संग की गंगा, बहे सत्संग अच्छा सही बताओ, इतना आनंद लेने के लिए तुम्हारा कुछ खर्चा हो रहा है? पर ऐसी हंसी खुशी है चेहरे पे तुम्हारे घर तो दिखे ना, हैं? घर पे तो तुम बिल्कुल भरते जैसे बैंगन का सर है स्वरूप तुम्हारा। चेहरे पे क्या हो जाता है, घर में क्रीम है, पाउडर है, सेंट है, परफ्यूम है, पर खूबसूरत नहीं है। कारण यस्य प्रपन्नम यस्य धराम मायान रूपेण, वहां पर चारों तरफ माया जाल बिछाकर बैठी हुई है और यहां हमने जाल निकाल के फेंक दिया है पांडाल के बाहर। हम लोग मार नहीं सकते ना माया को, इसलिए उसे भेज दिया, जाओ यहां से। क्यों? पार्वती पतये हर 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 हर
महादेव। बस माया गई, जबी घनी माया सतावे तभी हाथ ऊपर करके यही बोलो, पार्वती पतये हर हर महादेव। हम माया नहीं मार सकते क्योंकि माया अमर है, भगवान की है, इसलिए उसे मृत्यु तो है नहीं, पर हम उसका त्याग कर सकते हैं। सत्संगत ही एक ऐसा मार्ग है जहां माया नहीं रहती है। अब जब आप जाएंगे हमारी व्यासपीठ से, हम उतर जाएंगे नीचे, फिर माया दौड़ के आएगी और आपको कवर कर लेगी। कितनी आएगी माया? हाजी, आज मुझे बड़ा आनंद आ रहा है आपको देख के, और मुझे विश्वास लग रहा है कि कल की कथा काम कर गई, कल का प्रवचन आपको समझ में आ गया, आपने मान सम्मान रखा है पांडाल का। इस समय आपके पैरों में चप्पल नहीं है और आपसे वो बड़ी दूर आपने उतारी है चप्पलें। जो व्यक्ति चप्पलों का ध्यान भूल गया, समझ लो वो पूरा माया से दूर चला गया। सबसे ज्यादा माया ये चप्पल है। अब जिन्होंने भी चप्पल वहां उतार दिए भीड़ में, और उन्हें मालूम है कि वहां पे अब कोई पता नहीं है या नहीं है, फिर भी कथा में हंस रहे, आनंद लूट रहे, तो ये प्रमाणित हो गया कि माया अब तुम्हारे पास नहीं है महाराज। और कई लोगों से तो माया दूर जाना चाहती है, पर वो मम्मी ऐसी बदमाश हो, पर वो माया को जाने नहीं देती, और ऐसे ही पापा हो जाते, कभी कभी माया को नहीं जाने देते। वो जाना चाह रही है पर उसे पकड़ रहे, खींच रहे। भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को, भगवान व्यास ने जन्मजय महाराज को देवी भागवत के अनेक दृष्टांतों का दर्शन करवाया। भगवान वसुदेव और माता देवकी ने कथा सुनी, उन्हें क्या प्राप्त हुआ ये आपको समझ में आया। सबसे पहले तो उपदेश से, कथा से आदमी को संतोष मिलता है। देवकी और वसुदेव रो रहे थे, उनका रोना बंद किया नारद जी ने। ये पहला फल है भगवत का, प्रवचन का, सत्संग का, ज्ञान का। कोई महापुरुष जब हमें ज्ञान देते हैं तो सबसे पहले हमारे आंसू थम जाते हैं, हमारा दुख चला जाता है, और बाद में जो फल आएंगे, पुण्य होगा, वो बाद में आएगा, पर बिल्कुल सामने आमने वर्तमान में तत्काल हमारी गंभीरता खत्म हो जाती है। ये तो संत और गुरु के मिलने मात्र का ही फल है कि हमारे दुख चले जाते हैं। और भैया जब दुख जाएंगे, जगह बनेगी, खाली दिखेगी तो सुख आ जाएंगे। जब पहले से जगह हाउसफुल है दुखों से तो सुख आए कहां, रहे कहां। सुख को बुलाना है तो दुख को भगाना पड़ेगा, और दुख भगाने के लिए कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करते। ये पाखंड है, अंधविश्वास है, झूठ है। हमेशा दुख नियोजन से जाएगा, क्रिया से। क्रिया क्या है? ज्ञान। आप जितने वैरागी वैरागी, जितने विवेकी, जितने ज्ञानी और जितने त्यागी, साहसी, संयमी, उतना ही आपको सुख आता जाएगा। प्रत्यम यथान अमृतम, दूसरी कथा सुनाई है देवी भागवत के महत्तम की। अभी भागवत शुरू नहीं हुई है, अभी तो खाली भागवत का महत्व तो बताया जा रहा है। देवी प्रकट हो जाए तब समझना कि अब कथा शुरू होगी। भागवत में चार दिन तक भागवत शुरू नहीं होती, कृष्ण का जन्म होगा फिर भागवत शुरू होगी। अभी इसमें देवी आई नहीं अभी तक, तो कथा कहां से लाएं? मेरा जन्म हुआ तो मेरा इतिहास बनेगा, मेरी कथा बनेगी। आज ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, सारे देवता इकट्ठे हो गए मारे। अब सुनिए, यज्ञं भूषिताम उपासते यथान दुर्गे, कात्यायनी यथा च मंगली, सर्वं पूजष्ठ सदान ध्वजान मूलम्।
सारे देवता मिलकर के सभा कर रहे हैं और सभा में क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने घोषणा की, भाई मुझे नारायण ने भेजा है सृष्टि रचने के लिए, ये दुनिया बनाने के लिए। अब इसलिए दुनिया बनाना है, दुनिया को बसाना है, रचना है, तो भाई कैसे रचे, चलो आओ मीटिंग करें, बैठक करें। 33 करोड़ देवता शिव जी, ब्रह्मा जी और इंद्र, ये प्रमुख हीरोइन सभा के। अब इसमें जो दुनिया को पालने वाला जो विष्णु है वो वहां पर दिखाई देते नहीं। मरण शैनम यथा न कल्प तरुण, कथा सुनिए, जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं। इस समय भगवान सो नहीं रहे, 3 युग निकल गए, चौथा चल रहा है, भगवान एक पलक भी नहीं सोए। जब ये कलयुग समाप्त हो जाएगा, सब पानी पानी प्रलय हो जाएगा, तब भगवान सोएंगे। जब भगवान के पास में खुद का नहीं पूरे ब्रह्मांड में कोई सेवा न बचे, तब ठाकुर जी को नींद आती है। इसीलिए हम सोते हैं, हम जगते हैं। हाँ जी, भगवान की तो बहुत बड़ी बात है, हैं? भगवान की तो बहुत बड़ी बात है, हमारे देश की सीमा पे जवान जगते हैं तो ही तो हम यहां सोते हैं। अगर कोई हमारे लिए जगेगा नहीं तो हमें नींद आने वाली नहीं है। कोई तो है जो जग रहा है, जो हमें सुला रहा है। सुनिए, बच्चे से पहले माँ सो जावे तो बच्चा सोने वाला, हाँ, बच्चे से पहले माँ सो गई तो फिर बच्चा नहीं सोए। इसीलिए त्वमेव माता च पिता, हमारी तुम्हारी सबकी असली माँ कौन है, परमात्मा। परमात्मा अगर वो सो जाएगी तो फिर हम बच्चे कैसे सोएंगे। इसीलिए एक पलक भी नहीं भगवान झपकते, इसीलिए हम सोते। अच्छा बताओ, गाड़ी चलाते चलाते पलक झपक जाए तो ड्राइवर का क्या होता, गाड़ी का क्या होता है, एक्सीडेंट। भगवान अगर संसार को चलाते चलाते सो जाएंगे तो संसार एक भी कदम चलने वाला नहीं है। इसीलिए मैं समझा समझा के कथा सुनाता हूँ, ज्यादा डिटेल में कथा क्यों सुना रहा मैं भगवान के सोने की, क्योंकि रोजाना मंदिरों में टननननननन झोपा, बोलो अरे पुजारी तुझे नींद आ रही है तू जाके सोना, जो नहीं सोने वाला उसे क्यों सुला रहा है। अरे भैया सृष्टि रचने वाला, पालने वाला, सबके कर्मों को देखने वाला, वीडियो चलाने वाला सो जाएगा तो कैमरा क्या खाक रिकॉर्डिंग करेगा। सम्मोहितं तदलक्षणं प्रागतं च, सोते सोते भी आप क्या कर्म कर रहे हैं वो भी भगवान लिखता है। इसलिए वो जगेगा तब तो लिखेगा, सो के क्या लिखेगा। इसलिए किसी ने क्या लिखा सुनो, जो सोबत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जाग मुसाफिर भोर भई, जाग मुसाफिर भोर भई। अब नैन कहाँ जो सोवत है, अब नैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो
अब बताओ मैंने भजन गाया ये झूठा के सचे? भोर हो रही है क्या, शाम हो रही है बाबड़ो? शाम हो रही है, पर व्यास पीठ से जो बोला जाएगा उसका कोई न कोई मतलब होगा, सच्चा मतलब होगा। यहाँ शाम हो रही है पर कहीं तो भोर हो रही है ना। मैंने तुम्हारे लिए नहीं गाया, मैं तो अमेरिका तक कथा सुना रहा हूँ टीवी से, इसलिए उनके लिए गा रहा हूँ। हाँ, यहाँ शाम के 5 बजे उधर सुबह के हो रहे हैं, इसीलिए गाया। अब रैन कहाँ जो सोवत है, और कैसे नींद आवे भाई हैं? सब संतुष्ट हो जाए तो नींद अच्छी आती है। घर में क्लेश है, दुख है, झगड़ा है, कोई सेवा नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, और नींद आ रही है, मतलब वही है दरिद्रता। ये कुंभकर्ण के खानदान के हो सकते हैं, इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, अच्छा हो या बुरा है। रावण के घर में क्या हो रहा है, कुंभकर्ण को कुछ पड़ी नहीं है, सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है। अरे भैया, जैसे अपने भाई के घर में क्या हो रहा है पता नहीं है, सो रहा है। ये दरिद्रता, यही है मूर्खता, अज्ञानता, हीनता, क्रियाहीनता, भक्तिहीनता, श्रद्धाहीनता। घर में लंका में क्या चल रहा है, कुंभकर्ण को कुछ मालूम नहीं, सो रहा है। इसीलिए कवि ने कहा सोवत है सो होगा। आप क्या कर रहे हैं फिर है? अंडा खा रहे हैं, सो रहे हैं कि जग रहे हैं? सो रहे हैं। है? मुर्गे का पेशाब उबाल उबाल के खा रहे हैं, मुर्गे का पेशाब। बोलो, हंसते खेलते मछलियों को मार मार के खा रहे हैं, हंसते खेलते मछलियां। बोलो, मरा हुआ मांस खा रहे हैं, मरा हुआ है। अरे मरा हुआ अगर काम करता तो जिंदे आदमी में से खून निकाल के काय को चढ़ाना पड़ता दादाजी पे। इतनी दुनिया मर रही है, 8-10 लीटर निकलता है, मरे हुए में से खींच लो। पर आदमी जैसे ही मर जाता है, एक क्षण में सारा खून पानी हो जाता है। ऐसे ही बकरा मछली जो भी तुम खाते हो, उसमें मृत्यु के बाद कुछ भी रहता नहीं है सिवाय मल के, खाली मल रहता है। खा लो और मल बना के निकाल लो, बुद्धि भ्रष्ट कर लो, पाप कर लो। क्या करें, अगर ऐसा ही अच्छा होता मांस मटन अंडा तो फिर हमारे ये भगवान महापुरुष खाते ना, राम खाते, कृष्ण खाते, महावीर खाते, बौद्ध खाते, ये सब भगवान खाते ना। फिर बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला राम ने, कृष्ण ने, काय से मार डाला? बचपन में इनकी दोनों की माओ ने इन्हें गाय का दूध पिलाया है, इसीलिए इन्होंने मार डाला इन राक्षसों को है। और बचपन से ही बकरे का सूप पी रहे, उबाल उबाल के, ये काय को मारेंगे किसी को, ये तो खुद ही मरा हुआ खा रहे। इसीलिए कृपया करके हो सके तो इन बातों से थोड़ा बहुत सीख लेकर अपने आप को बचाइए, अपराध से, बुरे भोजन से। अन्न भोजन जैसा वैसी प्रवृत्ति, वैसा चित्त, वैसा मन, और वैसा ही चरित्र, और वैसा ही स्वभाव, और वैसे स्वरूप हो जाते हैं हमारे। सुपन का कितनी सुंदर थी, पर राम को, लक्ष्मण को, दोनों को पसंद नहीं आई। कारण, मांस खाती थी, और मांस खाने वाले को कौन पसंद करेगा, मांस खाने वाला। राम को सुपन का नहीं पसंद आई, लक्ष्मण को औरत की जरूरत है फिर भी नहीं, बट क्या करेंगे सुंदरी तेरा, भोजन अच्छा नहीं जिसका, व्यवहार अच्छा कहां से होगा। याद रखिए, भोजन से ही व्यवहार बनता है। आप चुपचाप जा रहे हैं और पीछे से आक्रमण कर दिया, आपको खा लिया, मार डाला शेर ने, उसका भोजन खराब है इसलिए उसका चरित्र खराब है। आप चुपचाप जा रहे हैं, कितने भी मारने वाली गाय होगी वो आपको कभी नहीं मारेगी, उसका भोजन अच्छा है। जिसका भोजन अच्छा है उसकी प्रवृत्ति अच्छी हो जाती है, उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। हाँ, भूल से भी कभी गलत भोजन मत करो, आहार ही हमारे जीवन का प्रसाद है, हमारे जीवन की उन्नति है, हमारे जीवन का विकास है।
भगवान राम ने 64 दिन में इतनी विद्या, भगवान कृष्ण ने 64 दिन में इतनी विद्या, कैसे आई है विद्या? तुम्हारे बच्चे 10-10 ट्यूशन कर रहे तो भी विद्या नहीं आ रही है, कारण आहार विशुद्ध बुद्धि नाम, जैसा खाते आहार वैसा ही बुद्धि का हो जाए व्यवहार। फिर पढ़ो, यहाँ पढ़ो, वहां पढ़ो, वहां पढ़ो, ये ट्यूशन वो ट्यूशन, कुछ हाथ नहीं लगता।